हेलो गाइस, सभी लोग हमारे चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जो कॉम्प्रोमाइज का प्रॉब्लम बहुत लोगों दोस्तों के पास है। बहुत मेरे जो ऐसे व्यूअर है जो कॉम्प्रोमाइज का प्रॉब्लम आ चुका है, लेकिन मेरे कमेंट आ रहा है सर मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ, मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन वो जो मैंने बनाया था कि आप इंस्टाग्राम में मेल करके कैसे आप उसको बना सकते हो, कैसे आपको मेल करना है, तो मेल करोगे तो वो कॉम्प्रोमाइज प्रॉब्लम वो ठीक कर देता है। लेकिन किसी ठीक हुआ किसी नहीं ठीक हुआ, लेकिन जो मैं आज की वीडियो जो डेढ़ मिनट लेके आया हूँ आपको ऐसे एक मिनट के अंदर में बिल्कुल आप अपने कॉम्प्रोमाइज प्रॉब्लम ठीक कर पाओगे बिल्कुल फारगेट द्वारा फटाफट। दोस्त कैसे आपको ठीक करना है मैं इस वीडियो पर बताने वाला हूँ, अगर आप पासवर्ड भूल चुके हो। लेकिन आपको क्या करना, आपको दो बातों का ध्यान रखना। पहले जो आपने इंस्टाग्राम जो आपने चालू किया था वो आपका नंबर होना चाहिए और आपका ईमेल आईडी जो आपने लॉगिन किया था इंस्टाग्राम में वो आपको जो एक्टिवेट किया था वो होना चाहिए। क्योंकि तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको मोबाइल नंबर नहीं है तो आपके जो ईमेल आईडी था वो ईमेल आईडी थ्रू द्वारा आप कैसे उससे द्वारा सही कर पाओगे। अगर वो आपको एक्टिवेट नहीं था मोबाइल नंबर द्वारा आप बिल्कुल चालू कर पाओगे फारगेट करके, बिल्कुल आप कॉम्प्रोमाइज प्रॉब्लम हटा सकते हो। दोस्तों आपको दो चीज़ रहना जरूरी, नहीं तो अगर नहीं है तो नहीं हो पाएगा, इसमें सॉरी माफ़ी चाहूँगा, अगर नहीं है तो नहीं हो पाएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, कैसे आपको सही करना है तो मैं कहता हूँ इसकी रिकॉर्डर पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। बस 5 मिनट का समय देना है, 5 मिनट के स्किप मत करना दोस्त वीडियो को, नहीं तो स्किप कर दोगे फिर वीडियो कोई पार्ट छूट जाएगा, फिर कहोगे सर मेरा कॉम्प्रोमाइज प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। चलो दोस्त आपको समय नहीं पैसे ले चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर पर, कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो आपको पता है आपका सामने ऐसा इंटरफेस आता ही है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर आपको दिख रहा है चेंज पासवर्ड, चेंज पासवर्ड आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्त आप चेंज पासवर्ड क्लिक करोगे यहाँ पर लिखेगा चेंज योर पासवर्ड टू सिक्योर योर अकाउंट, दोस्त आपको सामने ऐसा लिखेगा। फिर दोस्त क्या करना है, आपको फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करना है। जैसे दोस्त आप फॉरगेट क्लिक करोगे, फॉरगेट क्लिक करने बाद यहाँ पर आ जाएगा फाइंड योर अकाउंट। ठीक है, यानी कि अपने अकाउंट खोलने के लिए आ जाएगा। दोस्त अगर आपका फाइंड योर अकाउंट का ऑप्शन नहीं आया तो मुझे बताना कमेंट करके, तो मैं उसका सलूशन आपका लेके आऊँगा, क्योंकि दोस्त मेरा फाइंड योर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल आसानी से मैं यहाँ कर पाऊँगा। अगर दोस्त आप में नहीं आ रहा तो मुझे बताना कमेंट करके, तो मैं वीडियो लेके आऊँगा, आपका फाइंड योर अकाउंट का ऑप्शन बिल्कुल आपका आ जाएगा इसी तरीके से। तो इस तरीके से अगर नहीं आएगा तो उस तरीके से जो मैं दूसरा स्टेप में लाऊंगा तो दोस्त उसमें आसानी से फाइंड योर अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा बिल्कुल आसानी से, आप बिल्कुल अपने जीमेल आईडी को ओपन कर पाओगे। लेकिन तो इस तरीके से मेरा भी आ रहा है, हो सकता है आपका भी 100% आ सकता है। ठीक है दोस्त, क्या करना है आपको यहाँ पर सीधे फाइंड योर अकाउंट आ गया है फॉरगेट क्लिक करने बाद, क्या करना है आपको यहाँ पर बोला यूजर नेम या ईमेल आईडी या एड्रेस या फ़ोन नंबर, मतलब कि आपको जो जीमेल आईडी जो आप फ़ोन नंबर एक्टिवेट था या मतलब जीमेल आईडी एक्टिवेट था या मतलब किसी भी चीज़ से अगर एक्टिवेट था यहाँ पर आप इसे यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। क्या करना है, मैं अपना यहाँ पर यूजर नेम ही दे देता हूँ। ठीक है, अपना यूजर नेम यहाँ पर दे देना है। इसे मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम दे दिया हूँ, तो पहले पता है आपको जो इंस्टाग्राम में आपका ईमेल आईडी एक्टिवेट होना चाहिए, अगर ईमेल आईडी एक्टिवेट नहीं है तो मोबाइल नंबर तो आपको पास तो होना चाहिए, तभी आपको वो हो पाएगा, नहीं तो आपको चालू नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्त, क्या करना आपको, मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम दे दिया हूँ, यूजर नेम देना क्या नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसमें नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर आप सेंड आ जाएगा सेंड एन ईमेल और सेंड एन एसएमएस मैसेज, यानी कि सेंड एन ईमेल यानी ये आप ईमेल थ्रू लेना चाहते हो या मतलब मोबाइल नंबर थ्रू आप लेना चाहते हो जो आपके जी जो आपके इंस्टाग्राम में एक्टिवेट है। ठीक है, तो दोस्त मेरे जीमेल आईडी भी एक्टिवेट है, मेरे इंस्टाग्राम एक्टिवेट है जीमेल आईडी है, तो मैं अपने जीमेल आईडी भी ले लेता हूँ। ठीक है, क्या करना सेंड ईमेल पर क्लिक कर देता हूँ, जैसे मैं सेंड ईमेल क्लिक करूँगा, क्लिक करना क्या करना आपको ये ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। ठीक है, सेंड होना क्या करना ओके क्लिक कर देना है, ओके क्लिक करने बाद क्या करना आपको जाना है जीमेल आईडी पर, आपको जाना सीधे जीमेल आईडी पे, जीमेल आईडी पे आपने देख लिया। ठीक है, वही जीमेल आईडी देखना जो जीमेल आईडी आपका उसमें एक्टिवेट था इंस्टाग्राम में, क्लिक करना है। क्लिक करने बाद अब मैं यहाँ पे मेरा यह जीमेल आईडी है, इसमें देखो आ चुका है मैसेज, इसमें क्लिक करूँगा, क्लिक कर देखो यहाँ पर आ गया हायर टेक्निकल पावर बूस्टर इंस्टाग्राम पे लॉगिन करने का दिया है, यहाँ पर लॉगिन एस टेक्निकल पावर बूस्टर ये दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप इस पर क्लिक कर लेना। सब चीज़ें क्लिक करोगे, क्लिक करने में क्या करना है यहाँ पर देखो मोर का ऑप्शन आ रहा है, किसी किसी मोर का ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, किसी किसी में डाट आ जाता है कुछ दिख जाएगा, इसे क्या करना आपको इंस्टाग्राम जो आएगा सीधे आपको इंस्टाग्राम पे आपको कर देना क्लिक, सब इस पर क्लिक करोगे सीधे ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, बाद में सीधा ओपन हो जाता है और बाद में सीधा एक ऑप्शन आएगा स्किप का, स्किप कर देना। ठीक है, स्किप करने के बाद ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम चालू हो जाएगा। क्या मैं यहाँ से इंस्टाग्राम पे आप क्लिक करता हूँ, एटीमेंट डायरेक्टली चालू हो जाएगा, देखो मेरा इंस्टाग्राम डायरेक्टली चालू हो गया है। ठीक है, इसे आप चालू कर पाओगे बिल्कुल आसानी से।
हमें आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब पे लाइक प्रेस कर देना ताकि मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ।